हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अफसराज मेकओवर। आज मैं आप लोगों के साथ रीग्रोथ स्ट्रेटनिंग का फुल प्रोसेस शेयर करने वाली हूँ। ये मेरी एक कस्टमर है, इन्होंने पिछले साल हेयर स्ट्रेट किया था और इस साल इनका कुछ इंच हेयर रीग्रोथ हुआ है। वही रीग्रोथ हेयर को हम लोग प्रॉपर स्ट्रेट करेंगे। आज के स्ट्रेटनिंग के लिए मैं स्ट्रिक्स का कैनवोलाइन प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। कैनवोलाइन शैम्पू की मदद से हेयर को प्रॉपर वॉश करेंगे। हेयर में कोई भी कंडीशनर या मास्क कुछ यूज़ नहीं करेंगे। हेयर को सिर्फ और सिर्फ शैम्पू से अच्छे से क्लीन करेंगे। हेयर को अच्छे से शैम्पू से क्लीन करने के बाद टॉवल ड्राई करेंगे। टॉवल ड्राई के बाद हेयर को अच्छे से कॉम्ब करेंगे। उसके बाद हेयर को 100% ड्राई करेंगे यूजिंग फुल हीट। हेयर 100% ड्राई होना चाहिए और हेयर को स्ट्रेट ड्राई करने के लिए हम लोग पैडल ब्रश यूज़ करेंगे। पैडल ब्रश से ड्राई करने से ब्लो ड्राई करने से हेयर बहुत अच्छे से स्ट्रेट हो जाता है। उसके बाद हम लोगों को क्रीम इमल्सिफाई करने में बहुत आसानी होती है, इसलिए हेयर को ड्राई करने के लिए पैडल ब्रश का यूज़ करेंगे। पैडल ब्रश से ड्राई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आएंगे जो कि क्रीम है, स्ट्रिक्स का कैनवोलाइन इंटेंस क्रीम यहाँ यूज़ करेंगे हम लोग। इंटेंस मतलब वो स्ट्रॉन्ग क्रीम होता है जो सिर्फ वर्जिन हेयर में ही जाएगा। एक बॉल में इंटेंस क्रीम लेंगे। रीग्रोथ स्ट्रेटनिंग है इसीलिए इसमें स्पा क्रीम की भी बहुत ज़रूरत होगी। एक बॉल में स्पा क्रीम लेंगे। उसके बाद हेयर को बेसिक 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। प्रॉपर 4 बेसिक सेक्शन करेंगे और पीछे सेक्शन से बैक सेक्शन से हम लोग अपना काम स्टार्ट करेंगे। हेयर में थिन सेक्शन लेंगे, बहुत थिक सेक्शन नहीं लेंगे। बहुत थिक सेक्शन होने से क्रीम बहुत अच्छे से इमल्सिफाई नहीं हो पाएगा। हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे, थिन सेक्शन लेंगे। जो हेयर हम लोगों का पहले से स्ट्रेट है उस हेयर पे हम लोग स्पा क्रीम अप्लाई करेंगे बहुत अच्छे से। जो हेयर रीग्रोथ है उस पे स्पा क्रीम यूज़ नहीं करेंगे। जो पहले से स्ट्रेट है, ऑलरेडी स्ट्रेट है, उस पे स्पा क्रीम करेंगे। स्पा क्रीम इसीलिए यूज़ करेंगे क्योंकि जब हम लोग ऊपर के वर्जिन हेयर में जो रीग्रोथ हेयर है उसमें जब इंटेंस क्रीम यूज़ करेंगे वो क्रीम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो नीचे के जो ऑलरेडी स्ट्रेट हेयर है उस पर आके हेयर को डैमेज ना करें, इसी वजह से हेयर को वीक ना करें जो पहले से स्ट्रेट है। इसी वजह से प्रोटेक्शन के लिए हम लोग नीचे के हेयर में जो ऑलरेडी स्ट्रेट है उस पर स्पा क्रीम अप्लाई कर देंगे, ताकि अगर जो स्ट्रॉन्ग क्रीम है, स्ट्रेटनिंग क्रीम है, वो अगर नीचे के हेयर पे आ भी जाए, नीचे के हेयर पे लग भी जाए, तो हेयर को बहुत हार्म ना करें। वो स्पा क्रीम उसको प्रोटेक्ट करें और वो आके क्रीम माइल्ड हो जाए। सारे रीग्रोथ हेयर पे पहले अच्छे से
स्पा क्रीम यूज़ कर लेंगे, स्पा क्रीम अप्लाई कर देंगे। उसके बाद सारा स्पा क्रीम का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, जो क्रीम है इंटेंस क्रीम। हेयर को थिन सेक्शन लेंगे जिस पे ऑलरेडी स्पा क्रीम नीचे में लगा हुआ है। जो रीग्रोथ हेयर है उस पे अच्छे से इंटेंस क्रीम यूज करेंगे। बहुत ज़्यादा भी क्रीम नहीं लेंगे और बहुत कम भी नहीं लेंगे कि इमल्सिफाई ही ना हो पाए। बहुत अच्छे से क्रीम लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि नीचे स्पा क्रीम पर क्रीम ना जाए। अगर चला भी जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए ऑलरेडी उस पर स्पा क्रीम लगा हुआ है। बहुत अच्छे से इमल्सिफाई करेंगे क्रीम को, ताकि क्रीम हर एक हेयर पर अच्छे से लग जाए। स्ट्रेटनिंग क्रीम लगने का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने 45 मिनट वेट किया है, ताकि हेयर का बॉन्ड्स टूट जाए और हम लोगों को मिडिल में बार बार करके इलास्टिसिटी चेक करना पड़ता है कि बॉन्ड्स टूटा या नहीं टूटा। प्रॉपर बॉन्ड्स टूटने के बाद, जब प्रॉपर बॉन्ड्स ब्रेक हो जाए, उसके बाद हेयर को बहुत अच्छे से वॉश करेंगे। हेयर में थोड़ा भी स्ट्रेटनिंग क्रीम नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे से सारे स्ट्रेटनिंग क्रीम को हेयर से निकालेंगे, नॉर्मल वाटर से हेयर को वॉश करेंगे प्रॉपर। हेयर को वॉश करने के लिए कोई शैम्पू यूज़ नहीं करेंगे, हेयर को सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वाटर से वॉश करेंगे। सारे क्रीम को अच्छे से हेयर से निकाल देंगे। नेक्स्ट हेयर को वापस से टॉवल ड्राई करेंगे, वापस से हेयर को ब्लो ड्राई करेंगे, पैडल ब्रश की मदद से हेयर को ब्लो ड्राई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का आता है आयरनिंग। हेयर को बेसिक 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे और पीछे के सेक्शन से थोड़ा थोड़ा हेयर लेके प्रॉपर आयरनिंग करेंगे। आयरनिंग स्ट्रेटनिंग में बहुत मेन है, इसको
हल्के में नहीं लेंगे। प्रॉपर आयरनिंग की वजह से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हर एक हेयर बहुत अच्छे से आयरन होना चाहिए। सारे हेयर को सेक्शन बाय सेक्शन करके सारे हेयर को आयरन करेंगे। और यहाँ हमारा आयरनिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप है न्यूटिलाइजर क्रीम। स्टिक्स का कैनवोलाइन न्यूटिलाइजिंग क्रीम है। इसको एक बॉल में लेंगे। हेयर को बेसिक फोर सेक्शन वापस से करेंगे। बैक साइड से अच्छे से न्यूटिलाइजर अप्लाई करेंगे। हाफ इंच छोड़ के स्केल्प से हाफ इंच छोड़ के न्यूट्रलाइजर अप्लाई करेंगे। बहुत कम भी प्रोडक्ट नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा भी प्रोडक्ट नहीं लेंगे। इतना प्रोडक्ट लेंगे कि उसमें आराम से इमल्सिफाई हो जाए। हेयर को बहुत अच्छे से इमल्सिफाई करेंगे। बहुत थिक सेक्शन नहीं लेंगे, थिन सेक्शन में काम करेंगे और हॉरिजेंटल सेक्शन में काम करेंगे। हेयर को अच्छे से कॉम्ब करके हेयर को स्ट्रेट करेंगे। ये हमारा फाइनल प्रोसेस चल रहा है। सारे हेयर में सेक्शन बाय सेक्शन प्रॉपर न्यूट्रलाइजिंग क्रीम लगाने के बाद हेयर को कॉम की मदद से बहुत अच्छे से स्ट्रेट कर देंगे और कस्टमर को 10 मिनट के लिए खड़ा कर देंगे। हेयर चारों तरफ से बहुत अच्छे से प्रॉपर स्ट्रेट होना चाहिए। ये हम लोगों का हेयर सेट हो रहा है यहाँ पर। न्यूट्रलाइजिंग क्रीम को 10 मिनट रखने के बाद हम लोग हेयर को नॉर्मल वाटर से अच्छे से वॉश करेंगे। सारा क्रीम हेयर से वॉश करके निकाल देंगे। यहाँ पे कोई शैम्पू यूज़ नहीं करेंगे, नॉर्मल वाटर से हेयर को वॉश करेंगे प्रॉपर। हेयर से सारा क्रीम निकालने के बाद स्पा
स्पा क्रीम या हेयर मास्क, दोनों में से कोई एक लेके हेयर पे अच्छे से अप्लाई करेंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हेयर को अच्छे से वापस से नॉर्मल वाटर से वॉश कर देंगे प्रॉपर। हेयर को अच्छे से वॉश करने के बाद, टॉवल ड्राई करने के बाद, ये स्ट्रिक्स का आर्गन सीक्रेट सीरम है, सीरम को लेंगे, हेयर साफ्ट पे अच्छे से इमल्सिफाई करेंगे। सीरम अप्लाई करने के बाद हेयर को वापस से 100% ब्लो ड्राई करेंगे। ब्लो ड्राई में वापस से हम लोग पैडल ब्रश का यूज़ करेंगे। पैडल ब्रश यूज़ करते हुए हेयर को बेसिक 4 सेक्शन में डिवाइड करने के बाद अच्छे से हेयर को स्ट्रेट ब्लो ड्राई करेंगे। स्ट्रेट ब्लो ड्राई कंप्लीट करने के बाद हेयर पर आयरनिंग करेंगे। अभी का आयरनिंग छोटा छोटा थिन सेक्शन लेकर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट टचअप करेंगे आयरनिंग से। ये हमारा आज का प्रोसेस, स्ट्रेटनिंग का रीग्रोथ प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आप प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। का ये फाइनल लुक है। अब ये 48 आवर्स के बाद वापस से आएंगी, वापस से इनका वो केमिकल वॉश होगा। देखते हैं, अगर मैं शेयर कर पाई तो वापस से केमिकल वॉश का प्रोसेस भी शेयर करूँगी।